नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहले मारी 3 गोलियां, फिर सब को पटरी पर फेंक दिया। माँ की दवा लेने गए बेटे को भी उतारा मौत के घाट। माँ की दवा लेने के लिए घर से निकले बेटे को उपद्रवियों ने गोली मार दी। युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद मृतक की माँ का एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में महिला बता रही कि उनका बेटा अजय दवाई लेने के लिए निकला था, इसी बीच बेटे को गोली मार दी गई। पुलिस वीडियो प्रसारित होने के बाद युवक का पता लगा रही है। बनफूलपुरा में उपद्रवियों ने बर्बरता के साथ लाइसेंसी व अवैध असलहों से गोलियां बरसाई। बवाल में जिन 5 लोगों की मौत हुई है उन सभी को गोली लगी। बाजपुर के प्रकाश कुमार को 3 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, फिर शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया। शुक्रवार को पुलिस ने शव बरामद किया। बनफूलपुरा में उपद्रव के दौरान अधिकांश पुलिसकर्मी लाठी डंडों के भरोसे थे, जबकि दूसरी ओर से महिला पुरुष और बच्चे लगातार पथराव कर रहे थे। इसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। पथराव के बाद उपद्रव ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें बाजपुर के प्रकाश कुमार, बनफूलपुरा के फहीम कुरैशी, जाहिद मोहम्मद अनस व सब्बाद की मौत हो गई। 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। उपद्रवियों के पास वैध व अवैध दोनों तरह के असलहे थे, उन्हें किसी का भय नहीं था। बाजपुर के प्रकाश का शव बनफूलपुरा में इंदिरा नगर गेट के पास रेलवे पटरी पर मिला है। उनके शरीर पर 3 गोलियां लगी है। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। इधर शुक्रवार को पुलिस ने 4 मुस्लिम लोगों के शव का पोस्टमार्टम कराया। देर शाम शवों को स्वजनों को सौंपा और सुपुर्दे खाक करा दिया गया। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।